डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिलना हुआ जम्मू कश्मीर साधु धर्मस्थान सुरक्षण समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में आए शिष्टमंडल मिला है। तो कुछ पहली डिमांडें थी, उसके ऊपर भी चर्चा होनी थी। कोई समाधियों के हमारे मसले थे तो वो डिटेल में महाराज जी बात करेंगे, लेकिन एक कमेटी जो है वो बनाई है 5 संतों की, जिसकी अध्यक्षता महंत श्री रामेश्वरी गिरी करेंगे। मोहन गिरी जी होंगे, शांति गिरी महाराज जी होंगे, श्याम सुंदर गिरी जी होंगे और पूरी बाबा होंगे जो इसको देखेंगे। लेकिन इसकी अध्यक्षता के जो भी हमारे मंदिर आप देख रहे हैं कि NH में आ रहे हैं, तो उसकी जगह दूसरा मंदिर मिले ये व्यवस्था के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई डोनेट करता है तो उसको लिए हम खूबसूरत मंदिर ऐसा बना के देंगे जैसा तोड़ा जाएगा। तो उसी को लेकर के अध्यक्ष हमारे बीच में है रामेश्वर गिरी जी, इनको कहा कि आप हमें कमेटी बना दें। दूसरे हमारे बीच में लखनपुर के अंदर आपने देखा कि हमारे संत का एक शरीर शांत हुआ, 20 को वहाँ पे शोरसी है, उसका निमंत्रण भी था कि हम वहाँ सारे आएँ और वहाँ की व्यवस्था भी देखें। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आपने जितना हमें समय देते हैं और हमारी बात जब आप दूर तक जाती है तो उसे भी उसका भी आपने देखा जी। और उसके साथ हमारे राजबाग में था एक हमारे महामंडल आचार्य महामंडलेश्वर श्री हमारे सुंदरमणि वाले महाराज जी का भी कॉलेज जो है वो भी उसके अधीन भी आना था, वो भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा ये होनी चाहिए। और मुझे एक और भी गर्व रहता है कि श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी इस पे बड़ी एक संज्ञान लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे तालाब कुछ आ गए, हमारे ऐसे तालाब थे जो बीच में आए, हमने कहा कि आप एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के हमारे अमृत सरोवर बना के दे रहे हैं, तो एक तरफ अगर हमारा तालाब बीच में आता है तो वो अमृत जो कितनी देर से लोग पीते हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी जीव आत्मा सारी पलती हैं, तो उसका भी जनोद्धार किया जाए। इसी तरह जो एक्सप्रेस वे है उसके अधीन अलग हो रहा है, NH का तो मसला अभी खत्म नहीं हुआ था, तो दूसरा एक्सप्रेस वे वगैरह चल पड़ा है तो उसको लेकर के हुआ है। लेकिन कठुआ के अंदर मैं समझता हूँ कि रामेश्वर गिरी महाराज जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है तो ये हम भी आप सारे इनके साथ हैं, लेकिन 5 लोग जो हैं वह उनकी अध्यक्षता करेंगे, जो मंदिर बनेगा उसकी अध्यक्षता करेंगे, NH भी हो चाहे एक्सप्रेस वे हो, वो रामेश्वर गिरी जी के साथ बैठ करके फैसला करेंगे, जहां जे कहेंगे वहां पे बड़ा सुंदर बनेगा। दूसरा सुकराला माता है, अगर आपने बोर्ड बनाया है वहां का स्थानीय वहां का संत उसमें मेंबर क्यों नहीं, क्यों को जम्मू से बने? अगर आपने गगवाल मठ है, इतना बड़ा मठ, उसका चेयरमैन DC हो और सेक्रेटरी उसकी SDM हो, वहां का संत समाज क्यों नहीं? तो मंदिरों का रख रखाव जितना मंदिर का पुजारी संत वृंद करते हैं, इतना ऑफिसरों को इतना कहाँ टाइम है कि करे। हमने कहा कि एक एक मेंबर हर मंदिर के अंदर जहाँ आपने अपने लोग बिठाए हैं उसमें बिठाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग जो है संत समाज DC साहब के पास आए थे कि हमारा एक स्थान जो है सियारी मोड़ पर जो है रोड के बीच में आ रहा, जिसमें समाधि वगैरह भी बनी है, वो टूट रहा है। तो DC साहब से सलाह किए भाई कि इस मंदिर की जगह पर दूसरा मंदिर बना करके गवर्नमेंट हमें दे। उन्होंने बोला कि भाई आप एक कमेटी बना लो और उसमें जो जैसा कमेटी कहेगी उससे भी अच्छा हम बना कर दें। तो हमने जो है एक कमेटी बनाई जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, ये भी महाराज उसमें है, 5 मेंबरी कमेटी संतों की बनाई है और उसी के जो है द्वारा जो है DC साहब जो है उस मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग दे। पर कितने मंदिर आ रहे हैं इसमें? मंदिर तो कई आ रहे हैं, पर अभी फिलहाल तो यहाँ पर जो है कठुआ जिले में यही आ रहा है, सियारी मोड़ पर जो मंदिर है जी। ऐसे तो और है महाराज जैसे समाज